जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा से जुड़ी खबर के साथ उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर जो अपनी बातों और सोच से लोगों के अंदर कुछ भी कर गुजरने का जोश जगा देते हैं, वो अब चारों ओर से विवादों में गिर गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विवेक बिंद्रा की। लगे चोट के निशान दिखाते हुए विवेक बिंद्रा को कसूरवार बता रही। इसके बाद विवेक के खिलाफ उनकी पत्नी के भाई ने सेक्टर 126 में FIR भी दर्ज कराई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बीच। इसके बाद इस कंट्रोवर्सी में एक नया मोड़ आया है। विवेक बिंद्रा जी और बुरी तरह फंस चुके हैं। खबरों की माने तो बताया जाता है कि 6 दिसंबर को ही इसी महीने उनकी शादी हुई थी यानिका बिंद्रा से, और कुछ ही दिन बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उन पे FIR फाइल हो गया है, और वो भी किसने किया है, यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने। इसलिए बताया जा रहा है खबरों में कि वो अपनी माता जी से झगड़ रहे थे, बीच में पत्नी जी आई उनकी, तो उन्होंने अपनी पत्नी यानिका को इतनी बुरी तरह पीटा, इतनी बुरी तरह कि उनके कान से अभी सुनाई तक नहीं दे रहा है। सुनने में यह भी आ रहा है कि उनके कान का पर्दा ही फट गया है और शरीर पे बहुत जगह घाव के निशान, पीटे जाने के निशान, मतलब कि अभी एक आग ठंडी ही नहीं हुई थी तब तक दूसरी सुलगा दी गई। और इस बार हाथ पूरा का पूरा विवेक बिंद्रा जी का है, क्योंकि उन्होंने ही किया है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें विवेक बिंद्रा जी अपनी पत्नी को हरेस करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 14 तारीख को, 14 दिसंबर को सेक्टर 126 में दर्ज कराया गया थाने में, वो भी वैभव क्वात्रा के द्वारा, जो कि यानिका के भाई हैं, और यानिका विवेक बिंद्रा की पत्नी है जो कि पीड़ित है। अभी वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यानिका अपने शरीर पे लगे घाव दिखा रही है और बता रही है कि मेरे कान से भी सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ स्वेलिंग हो गई है, शरीर पे अपने घाव दिखा रही है। देखते हैं, दिखा सकते हैं तो भी सिस्टर को दिखा, कोई बात नहीं, अगर नील आ रहा है तो दिखाओ, रुक जाओ, कटिंग कर देंगे ना, वहाँ से लोअर काट, कोई बात नहीं, वहाँ से लोअर काट। एक तो संदीप महेश्वरी के साथ कंट्रोवर्सी चली रही थी जिसमें बहुत ही उनको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। अब उन्होंने 41 साल की एज में शादी भी करी, तो उन्होंने शादी करके भी, मुझे लगता है कि शादी करके भी वो पछता रहे हैं, क्योंकि शादी करने के तुरंत बाद ही इंसिडेंट हुआ। 6 तारीख को उनकी शादी हुई इसी महीने, और कुछ दिन बाद ये वारदात सामने आई। अफवाह तो ये भी है कि कहा जा रहा है कि विवेक बिंद्रा जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी संदीप महेश्वरी के साथ और बहुत ही बड़े लेवल पे चल रही थी, इसलिए वो डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेट रहने लगे थे, इसलिए ये वारदात हुई, नहीं तो नहीं होती। लेकिन ये सरासर गलत है किसी स्त्री को इस तरह पीटने का, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, ये कानून के खिलाफ है। विवेक बिंद्रा जी, आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी, आप बुरे फंस चुके हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कतई सराहनीय नहीं है। तो ये थी विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के कंट्रोवर्सी के बीच आए नए मोड़ की कहानी, जो कि ये उनके पत्नी से, विवेक बिंद्रा की पत्नी से ही रिलेटेड है। विवेक बिंद्रा जी लगातार पे लगातार एक से एक बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, लेकिन इस मुसीबत की जड़ वो स्वयं खुद हैं। इसमें किसी भी ऐसे शख्स का हाथ नहीं है जिसे वो ब्लेम कर सकें। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के बाद, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से जल्दी।